आज जो हम इस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी रूमर है इस प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है एल्कलाइन वाटर आयोनाइज़र, जिसको हम लोग बहुत ही जो मार्केट में एक रूमर नेम है वो नाम है कैंगन वाटर। कैंगन वाटर क्या है? कैंगन वाटर एक टेक्नोलॉजी है जो जापान से ये क्रिएट किया गया है। बट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप हमारा डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, ब्रेवरेज के बारे में, कुकिंग के बारे में, क्लीन वाटर के बारे में, एसिडिक फेशियल के बारे में, एसिडिक के बारे में एंड क्लीनिंग के बारे में। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये क्या है, हम लोग वाटर तो लेते हैं, वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, बट क्या है कि पानी कैसा पीते हैं, किस तरह का पीते हैं। सबके घरों में आज के डेट में आर ओ सिस्टम लगा हुआ है, जिसको हम लोग रिजर्व ऑस्मोसिस सिस्टम कहते हैं, जो मेम्ब्रेन बेस्ड यूनिट होता है और ज़्यादातर मिनरल्स वहाँ से आउट कर दिया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमें टी डी एस इस लेवल का पीना है तो वो हमें वहाँ से नहीं मिल पाता है, क्या हमें पी एच लेवल चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, और सिर्फ वाटर नहीं, हर एक पार्ट की अगर हम बात करें, लाइक ब्रेन की बात करें, मसल्स की बात करें, लीवर की बात करें, जितने भी हमारे एक पार्ट्स है, हर एक को एक वाटर का एक रेशियो चाहिए होता है, एक पीएच लेवल चाहिए होता है। तो बेसिकली जो हमारा आज कंसर्न है आपको ये मशीन दिखाने का, जो कैंगन वाटर है, ये एल्काइन बेस्ड सिस्टम है, ये इसमें हम आपको पहला एक चीज़ दिखाएंगे। सबसे पहला आप इसमें डिस्प्ले पे देखिए, ये 18 प्लेट्स का सिस्टम है। ये जो जनरली मार्केट में यूनिट है वो 6 प्लेट, 8 प्लेट या 12 प्लेट, मैक्सिमम 12 प्लेट्स का है। बट जो ये प्लेट आप देख रहे हैं, इसमें 18 प्लेट्स का ये यूनिट है, जिसमें कि टाइटेनियम प्लेट्स का कोटेड किया गया है। और सबसे बड़ी बात, पानी हम लोग क्या होता है कि कोई भी एमसीडी का पानी हो, अगर हम जैसे दिल्ली की हम बात करें तो एमसीडी का पानी आता है, लोग उसे प्यूरीफाई कर लेते हैं या उसे लोग आरओ के थ्रू पानी लेके घर में कंज्यूम करते हैं। तो उसमें कई तरह का, देखिए हम ऐसा कोई, हम ये नहीं कहना चाहते कि वो पानी ख़राब होता है, बट हर एक जो हमारा बॉडी है ना, उस बॉडी को एक, मतलब कहा जाए ना कि हर एक पार्ट्स को एक फिक्स वाटर चाहिए होता है। तो ये जो कैंगन वाटर है वो देता है ये चीज़। अब इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर का। तो ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें, जो बॉडी को चाहिए वो पीएच लेवल 8.5 चाहिए होता है, और हम क्या लेते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, जो हमारा बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, और बैलेंसिंग बिगड़ने की वजह से हमें कई तरह के डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा आप इसमें देखिए, ब्रेवरेज का एक इसमें पॉइंट दिया गया है, मतलब ये तमाम जो पॉइंट है इसके अंदर, आप जो पॉइंट पे क्लिक करेंगे उस पॉइंट से आप पानी ले सकते हैं, लाइक ड्रिंकिंग 8.5 आपको मिलेगा। अगर ब्रेवरेज कोई चीज़ आपको धुलना है, एप्पल हो गया या कोई खाने से रिलेटेड कोई चीज़ हो गया, उसको धुलना है, तो उसके लिए इस लेवल का चाहिए होता है। अच्छा, अगर हम कोई फूड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 9.5 पीएच लेवल चाहिए होता है। जैसे इसमें पॉइंट दिख रहे होंगे आप, ये कुकिंग पॉइंट लिखा हुआ है, कुकिंग के लिए हमें जो भी चाहिए होगा वाटर, तो उसके लिए। तो इसमें हर एक चीज़ों के लिए एक एक पॉइंट दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा क्लीन वाटर, सपोज आप कोई मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन जब आप लेते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है, ऑलरेडी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें हमें क्लीन वाटर चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो कैंगन वाटर से मिलेगा। इस तरह से आप, जैसे आप कोई फेस वगैरह धुलना है या कोई ऐसे फेस पे कोई, मतलब आपको कोई डिजीज़ आता है, बार बार हो जाता है पानी की वजह से, तो एसिडिक वाटर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हमारा एक एसिडिक, प्योर एसिडिक वाटर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, और इसके बाद एक क्लीनिंग का पॉइंट है। तो ये तो ओवरऑल इसके अंदर पॉइंट हुआ। हम बात करेंगे बारी बारी से कि इसमें जो यूनिट है ये, इसका बेसिक फंक्शन बॉडी के लिए क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एक ह्यूमन होता है उसके ब्रेन में क्या कंटेंट्स का वाटर चाहिए, तो 83% वाटर चाहिए उसे, 83% वाटर चाहिए बॉडी को, ब्रेन को, तो वो कैंगन वाटर से मिलेगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, ह्यूमन किडनी में कितना कंटेंट्स चाहिए, तो 83% चाहिए। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप, हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ डिजीज़ की, अगर इस वाटर को आप यूज़ करेंगे, कैंगन वाटर को यूज़ करेंगे आप,
अल्कलाइन वाटर आयनाइजर का अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे ये जितने भी आप देखते होंगे फैटी फैटी हो जाता है, मतलब लीवर में लीवर फैटी जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर, तो उसमें क्या होता है, हमें चाहिए किस लेवल का पीएच लेवल हमें लेना पड़ता है हमें किस लेवल का, तो वो कई चीज़ें देखते होंगे, वो सारा चीज़ें अगर आप ये कैंगन वाटर यूज़ करेंगे तो ये सारे तमाम जो बीमारियाँ हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा हर्ट का प्रॉब्लम होता है लोगों को आजकल, तो क्या है हर्ट को चाहिए 75% वाटर बट वो हमें मिलता नहीं है, जिस वजह से कई तरह के इसमें मतलब आप अगर ये कैंगन वाटर यूज़ करते हैं आप तो इसमें जो भी आपको वाटर का एक क्वालिटी चाहिए बॉडी को वो ये बना के देता है। अच्छा सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर 18 प्लेट्स लगे हुए हैं ना, ये मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है कहीं, ये हम लोग हैं जो हम लोगों ने अभी मार्केट में अवेल कराया हुआ है 18 प्लेट्स, ये जो आप देख रहे हैं यूनिट को, इसके अंदर आप यहाँ जूम करके दिखाइए आप 18 प्लेट्स हैं यहाँ पर, तो इसमें अच्छा सबसे बड़ी बात जो बॉडी मसल्स, अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स हमारा देखते होंगे कि कोई जिम जाता है या कोई ऐसे फिटनेस करते हैं या जो भी एक्टर हो गए या जो भी ऐसे कोई एथलेट्स हो गए जिनका देखते होंगे बॉडी बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर वो कंटिन्यूटी कर रहा है वो चीज़ों को, ट्रेनिंग ले रहा है तो उनका बॉडी बहुत टाइट होता है, बट कभी कभी देखते हैं वो छोड़ दिया तो ढीला हो जाता है या बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है वो चीज़ें, तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं एक सर्टन अमाउंट का वो वाटर चाहिए होता है, तो उसमें अगर अब हम इस वाटर को यूज़ करें कैंगन वाटर को यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। और जितने भी आप बीमारियाँ देखते हैं लाइक हर्ट से हो गया या लीवर का प्रॉब्लम होता है या किडनी का प्रॉब्लम होता है या मतलब तमाम जो बीमारियाँ आप देखते हैं क्या होता है, वाटर से होता है, और हमारे बॉडी में हमने शुरू में कहा कि 70% ऑफ वाटर हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो जो ये कैंगन वाटर का एक मतलब क्रिएशन किया गया वो जापान से किया गया, और वहाँ पे जो रिसर्च किया गया वो ये रिसर्च किया गया कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, अगर हम वाटर को ही ठीक कर दें तो हमें डिजीज़ होगा ही नहीं, ज़्यादातर हमें बीमारियों से फेस नहीं करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें मतलब इसमें देखा जाता है। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आप इसे लगाएंगे कैसे, कई कस्टमर का कहना है कि ये लगेगा कहाँ, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, इसमें आरओ चाहिए, इसमें क्या क्या कंटेंट्स रह जाते हैं क्या क्या नहीं रहते, जो भी आपको कंटेंट्स चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कंटेंट्स नहीं चाहिए और जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। सपोज़ आप फूड बना रहे हैं या कोई चीज़ कुकिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, सपोज़ आप कोई घर की अगर हम बात करें, कोई आप राइस बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं तो कई तरह का वाटर, कोई उस पर पकने में ज़्यादा टाइम लग जाता है या कोई पकता ही नहीं टाइम से या कोई जल्दी पक जाता है, तो अगर आप इस तरह का सर्टेन कंटेंट का पानी यूज़ करेंगे आप कैंगन वाटर से तो आपको वो एक टाइम पे मिलेगा और वो बहुत ही हाइजेनिक चीज़ मिलेगा आपको। और अगर हम इसमें बात करेंगे सिस्टम की तो इसमें ओवरऑल ये है, इसमें इनलेट है, इधर आप इनलेट देख सकते हैं, फिर एक आउटलेट है यहाँ से। अच्छा दूसरी बात, अगर आप कोई एमसीडी का पानी यूज़ कर रहे हैं, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का या कोई भी जल बोर्ड का पानी यूज़ कर रहे हैं आप, तो इसमें डायरेक्ट आप इनपुट दे सकते हैं क्योंकि उनका TDS जो है वो लेस देन 200 होता है, या इसमें जो यूनिट में इस यूनिट में हम पानी देंगे वो मैक्सिमम हम 300 TDS तक डायरेक्ट वाटर दे सकते हैं, और जो हम आउटपुट लेंगे इनसे हम ये एक फिक्स रेशियो पे जो भी यूनिट को देना है वो मिल सकता है। अगर आपके यहाँ कोई बोरिंग यूनिट लगा, बोरिंग का पानी है या कोई ऐसे पानी है जिसका TDS 400 से ज़्यादा है तो आप उसके लिए आपको एक RO यूनिट लगाना होगा और उससे इस पे फ्लो देना होगा। अच्छा सबसे बड़ी बात कि आप अगर कोई छोटा RO लगा लेते हैं जिसका फ्लो रेट एक घंटे में 10 लीटर 15 लीटर के अप्रॉक्स में है तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को पानी, क्योंकि जो यूनिट है इससे आप एक मिनट में अप्रॉक्स 5 से 8 लीटर पानी ले सकते हैं, इवन मैक्सिमम कैपेसिटी 10 लीटर का है, यानी 600 घंटे 600 लीटर के आसपास आप इस पे पानी ले सकते हैं। अगर जितना अच्छा फ्लो आपका पीछे से रहेगा उतना अच्छा आपको फ्लो आगे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें जो वाटर की अगर हम बात करेंगे, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वाटर में नॉर्मल वाटर और कैंजन वाटर में, तो जो कैंजन वाटर होगा ना वो एक अलग मतलब अलग टाइप का स्पार्किंग होता है उसके पानी में। आप देखेंगे जब पानी आप लेंगे कोई क्रिस्टल क्लियर ग्लास में लेंगे तो आपको उसमें पानी अलग टाइप का दिखेगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो या अगर कोई इस तरह का आपको जानकारी लेना हो या नए सिस्टम को बाय करना हो, आप हमारे YouTube चैनल पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कीजिए या WhatsApp करिए, कॉल करिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे इसके बारे में कि ये जो अल्कलाइन वाटर आयनाइजर है, कैंगन वाटर है, ये कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है। सबसे बड़ी बात, जो आप ये यूनिट देख रहे हैं इसका जो भी एक कॉस्ट है हम कॉस्ट इस पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये यूनिट लेते हैं, अगर कोई भी तरह का इसमें विद इन 2 ईयर्स अगर लगता है कोई डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ गई या वर्किंग कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप ये यूनिट मतलब जो कंपनी है फाइटो अटोमी ये डायरेक्ट ये यूनिट आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा
और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यूनिट की, तो ओवरऑल जो हम वारंटी की अगर हम बात करेंगे, 7 ईयर्स का वारंटी है इसके ऊपर। कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स हो, 2 ईयर्स तो आपको एक्सचेंज में मिल जाएगा, और इसके बाद जो 5 ईयर्स होता है उसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तो वो विदाउट एनी कॉस्ट वो कंपनी के तरफ से आपको FOR किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा वो चीज़ें। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पे आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, हमें कॉल करिए, हम आपको पूरी। अच्छा, अगर आपको लगता है कोई डेमो कराना हो या कोई प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना हो तो आप बेशक हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।